तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ आइडियल वोल्टमीटर के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होना चाहिए, तो हमने देखा कि जब हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं, उससे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस वाली ब्रांच का, जिससे इसमें करंट कम जाता है। तो अगर हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम कितना बढ़ा सकते हैं, इन्फाइनेट तक बढ़ाया जा सकता है, वही चीज़ अगर बढ़ने वाली हो तो उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम इन्फाइनेट तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को एक आइडियल वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा, है ना, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कितना करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत बहुत बड़े रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बोलते हैं।